उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही के हालात बने हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में हिमाचल के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में कई इलाकों में लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, तो वहीं 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के कई इलाकों में हालात बेकाबू है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लैंडस्लाइड के वाकयात आप देख सकते हैं, कहीं पर बिल्डिंगें धाराशाही हो रही हैं, तो कहीं जो पहाड़ हैं वो लगातार दरक रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कई दहाई के बाद हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तबाही देखने को मिल रही है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान मंडी और शिमला में बताया जा रहा है, जहां पर लगातार बिल्डिंगें जमींदोज होती हुई नजर आ रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी सालों की मेहनत पूरे के पूरे आशियाने तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेहनत करके और तमाम तर मशीनरी लगाकर ये रोड्स बिल्ड किए गए, कनेक्टिविटी को सुधारा गया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर से कई दहाई पीछे हिमाचल की तरक्की चली गई है। सरकार के ऊपर कई हजार करोड़ का बोझ भी बढ़ गया है। हालात को मामूल पर लाने के लिए लंबा अरसा यहाँ पर लग जाएगा, तो वहीं लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसे हालात में क्या किया जाए। रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लोग हैरान परेशान हैं, और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हालात काफी कशीदा नजर आ रहे हैं। लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से दरहम बरहम हो चुकी है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए हैं।